स्टॉप्स की बात करें यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एंगल इनफैक्ट मेंटेन कर रखा है, बट राइजन को ऑलरेडी यहाँ पे मिलता हुआ कॉर पाएगा एक बेहतरीन नॉक। इसी के साथ आई गेस बीटीआर पुश करना चाहेगी, स्टॉप्स का पोजीशन भी इनको रिवील हो चुका है। लक्सी निरंतर स्प्रेस देते हुए जा रहे हैं, वो बाकी को फोड़ेंगे और इसी के साथ स्टॉप्स भी डाउन हो चुके हैं। पावर 888 को बीटीआर ने बहुत हम लोग को देखने को मिल रहा है। 3 सेकंड में अभी सर्कल क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करें यहाँ पे सर्कल के सेंटर के पोजिशन की तो आरआर क्योंकि D2E वहां पे मौजूद है। बिल्कुल आरआर क्योंकि D2E अकेले सर्कल के सेंटर में, लेकिन बीटीआर पीछे से एक अच्छा बैकस्टेप कर सकती है। आप देख ही सकते हैं बीटीआर वहां जाना चाहेगी। एंड वन सेकंड जैसे कि हम बात करेंगे ना, रिजेस वहां पर रहेंगे, वो एक रिज बहुत बड़ा गेम चेंजिंग यहां पर बन सकता है टीम के लिए। अल्फा 7 के लॉ अभी भी सर्कल के हल्का सा पीछे की तरफ जूझ रहे हैं। आई शॉट वो हेल्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना पावर के कौन सो भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इनके भी चारों प्लेयर्स जिंदा है। फुटबॉल इससे इनकी हेड ऑन फाइट हो सकती है जिस तरीके से फुटबॉल इस आ रही है। इज दैट अ गुड डिसीजन, इज दैट अ बैड डिसीजन, सीम्स लाइक अ वेरी बैड वन, क्योंकि कोई ना पावर नहीं रुकना चाहती है। देखते ही देखते फुटबॉल इज एलिमिनेटेड। जी हाँ, आप किंग ऑफ द हिल तो जरूर हो, जब आप डाउन हिल आते हो तो कोई ना कोई टीम आपको स्पॉट करेगी, कोई एक तो नहीं मल्टीपल टीम्स इनफैक्ट आपको स्पॉट करेगी। लूप्स के प्लेयर्स इनफैक्ट कारी हो पीछे, बट ऑन टू द अदर साइड अगर आप देखें 6 किल्स यहाँ पर टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के पास है। ये किल्स, ये पॉइंट्स इनको और आगे बढ़ाने बढ़ा भी रहे हैं। 7वां किल वहां पर ले चुका अल्फा 7 ईस्पोर्ट्स, गेट्स एलिमिनेटेड। बट बीटीआर, इनके राइजन को रिवाइवल चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे। बट अब जक्सी पीछे जाएंगे, राइजन को रिवाइवल दिया जाएगा, उसके बाद आगे की फाइट्स हो सकती है, तब तक लक्सी बाहर संभालेंगे। दैट्स हाउ द टीम एक्चुअली वर्क्स विद ईच एंड एवरीवन। कारियो वहां पर लूप्स के दिख जरूर रहे थे, और लूप्स के लिए मुश्किल ये बन चुकी है, कोई ना पावर का अगला निशाना वो टीम हो सकती है। जी हाँ, कुनीना पावर की बात करें तो उनके भी 3 प्लेयर जिंदा है, 4 किल्स उन्होंने ले रखा है। व्हाइट की तरफ से जाता हुआ एक प्यारा ग्रेनेड, क्या कर पाएगा कुछ डैमेज, हल्का सा किया है करियो को। उनके पोजीशन रिवील आउट कर रहे हैं, तो कुनीना पावर के प्लेयर्स एक दूसरे को रिवाइव कर देने में सक्षम हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पर रिवाइवल जरूर सक्षम उनका हो चुका है। लूप्स के पेट्रोल यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। कारियो, ही इज बर्निंग, ही इज गोइंग डाउन, एंड ग्रेनेड्स, मोलोटोव, सारे थ्रोबल्स यहाँ पर आ चुके थे। अब हमारे पास 3 बेहतरीन नाम खड़े हुए हैं। BTR हल्का सा यहाँ पे प्रेशर आता, बट नहीं, सक्सी फिलहाल यहाँ पे मोलोटोव के साथ जाना चाहेंगे, बट नो, इट्स लक्सी हु गेट्स दैट ब्यूटीफुल नॉक। लक्सी गेट्स वन नॉक, और आरआरक्यू के एक आखिरी प्लेयर यहाँ बचे हैं, बीर 11। ही इज बर्निंग नाउ, ही इज बर्निंग डाउन। आरआरक्यू D2E अपना बैकपैक हटा चुके हैं, बट ग्रेनेड अभी भी उनके हाथ में। 1 ग्रेनेड टेक्स डाउन सक्सी, राइजन, अगला ग्रेनेड उनके नाम का हो सकता है सेकंड टाइम। इनके भी 2 प्लेयर्स यहाँ पर फाइट के लिए तैयार है, बट D2E वो एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते थे। व्हाइट को बहुत ज्यादा डैमेज दे चुके हैं, ही टेक्स हिम डाउन, यस ही डस। D2E क्या वो गेम फिनिश कर सकते हैं? ग्रेनेड आया है D2E काफी करीब, बट वो हटने नहीं चाहते, ऊपर उठे थे। D2E गोस डाउन, BTR एक प्लेयर, 15 और 12 का डिफरेंस है। सक्सी ग्रोजा लेकर के आगे जा रहे हैं, एक तो एयरड्रॉप किल होना चाहिए, लेकिन नो, वन गोस डाउन। व्हाट्स हैपनिंग, विल द सेकंड वन गो डाउन? यस, BTR गॉड्स ऑफ पबजी, दे आर बैक। भी सकते हैं, जी हां हो तो सकते हैं, लेकिन सर्कल ने जो ये ईस्टर्न शिफ्ट मारा है उसके चलते देखना होगा। ये देखिए चोक पॉइंट्स को किस तरह से यूज किया जाता है देवी और सज्जनों, ये होता है चोक पॉइंट्स का एडवांटेज, और यही चोक पॉइंट को सक्सी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट किया। पूरी नोवा XQF ने मिलके बिगट्रॉन के 3 प्लेयर्स गिराए, जक्सी ने अकेले बिगट्रॉन के 3 प्लेयर्स गिराए, जिसमें सर्कल है जहां इनको रोटेट करना है, और रास्ते में पड़ते हैं नोवा XQF के आखिरी बचे हुए प्लेयर किंग और बिगट्रॉन के जक्सी। तो यहां से जो भी टीम रोटेट करेगी वो उन प्लेयर्स के अक्रॉस तो आएगी, लेकिन अभी ये एक दूसरे से फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जीक्यूट ने पीछे से बैक स्टैब कर दिया है फुटबॉलर्स के स्क्वाड को, और फुटबॉलर्स के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट के पास है द बिग ग्रीन कैनन। जी हाँ, और विकेंडी में वो बिग ग्रीन कैनन जिसको हम AWM बोलते हैं, वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आपके कॉम्पाउंड के अंदर कोई प्लेयर्स मौजूद है। बट फिलहाल काइवोस की का यहाँ पे फाइट चलता हुआ नोवा XQF के किंग के अगेंस्ट, और एक प्लेयर को जरूर नॉक किया था बट पूरी स्क्वाड को यहाँ पे लेने में सक्षम नहीं हुए, और इसी के साथ नोवा XQF का एक फिर से एक अर्ली एलिमिनेशन दिखता हुआ। लास्ट मैच से अब का मैच का प्रोग्रेशन यही है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट बस उनको मिलने वाला। जक्सी अभी भी फाइट कर रहे हैं, उन्होंने एक और नॉक निकाला है, गोल्डन को जो आप नॉकडाउन देख रहे हैं वो जक्सी ने वहां पे निकाला है। बिगट्रॉन रेड एलियंस की लाइव रैंकिंग चल रही है फर्स्ट पोजीशन पे, और ये एक प्लेयर जो बचा हुआ है अपनी टीम के लिए अभी भी अपने आखिरी अबिलिटी आखिरी गोली तक लड़ने वाला है, लेकिन वो तो लड़ रहे हैं। एग्जीक्यूट के जो प्लेयर थे वो इन द मीनवाइल फेट गिर के ही वहीं पे नॉकडाउन हो गए। चलिए फाइनली जक्सी को गेम से बाहर निकाला गया, उनके साथ किसी ने डील किया और जिसने गिरा दिया गया। लूप्स के प्लेयर्स को उनके टीममेट को रिवाइव भी करना है, साथ ही साथ फाइट लेना है, और साथ ही साथ सर्कल के अंदर भी जाना है। काइवोस की तरफ से एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नॉक देखने को मिला, बट ये क्या हो सकता है वो पुश करने की वजह? यस, पुश करने की कोशिश कर रहे G9
इनका किल का कॉन्फर्मेशन जरूर लेना चाहेंगे। बियर 11 और अर्नी पीछे से कवर फायर देने की कोशिश तो करेंगे, बट क्या वो सक्षम हो पाएंगे ये तो सिर्फ वक्त ही बताने वाला है। आल्फा 7 के प्लेयर्स अभी भी काफी कंफर्टेबल है। ट्रिपल आइस ने यहाँ पे अर्नी को भी नॉक कर दिया, तो आरआरक्यू अब काफी ज्यादा मुसीबतों में फंस चुकी है। जी हाँ, आरआरक्यू के लिए दिक्कतें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी। एक थ्री मैन ऑप्शन बचे थे, बट ये क्या, बहुत ही गॉड टियर का नेड वहां पे कनेक्ट हुआ और आरआरक्यू वहां पे खत्म कर दी गई है लेडीज एंड जेंटलमैन। अब टीम सीक्रेट भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। आप देखिए सर्कल के तो काफी करीब थे, अब सर्कल के अंदर भी जा रहे हैं और नेड्स की बौछार भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। काइवोस्की को यहाँ पे आइसिस का नॉक मिल चुका है और अल्फा 7 को एक पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है यहाँ पे सर्कल के अंदर जाने की। कॉर्पायर ने उनको स्पॉट कर लिया, बट उनके बुलेट्स यहाँ पे खत्म हो गए, रीलोड पे चले गए और यहाँ पे फेडरल के पास एक अच्छा मौका था कि यहाँ पे कुछ कर पाए, बट नो डिज नॉट रियली हैपन। यहाँ पे दो ही प्लेयर्स बचे हैं पावर ट्रिपल 8 के। अब देखना पड़ेगा कि अल्फा 7 के अगेंस्ट और लूप्स के अगेंस्ट क्या कमाल दिखा पाते हैं। लूप्स के इकलौते ही प्लेयर बचे, यहाँ पे कूद क्या है, बट नो कॉर्ड पाए देखिए यहाँ पे स्वॉगविन को नॉक करते हुए एक स्टन ग्रेनेड का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल। यस, स्टन ग्रेनेड का काफी अच्छा इस्तेमाल किया और उसके चलते एल्फर के हल्का सा आगे जाके फटा, दूसरा नेड भी फेंका गया है एंड ये साइड में गया था, बट डैमेज डॉज कर लिया गया वहां पे पावर ट्रिपल 8 के द्वारा। चलते ही चलते अल्फा 7 एलिमिनेट हो जाती, कवास्की सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, लेकिन क्या वो खेल दिया उन्होंने, बट हमें पता है चिकन डिनर यहाँ पे पावर ट्रिपल 8 का ही। अगर वो स्पॉट कर लेते तो दिक्कत तो हो सकती है दोनों के लिए, बट G9 को 18 का डैमेज पड़ा, सक्सी गोज डाउन। आरआरक्यू ये फाइट अपनी बनाना चाहेगी, 3v3 के ऊपर ये फाइट आ चुकी है डिस्टेंस से। इन द मीनवाइल कोनी ना पावर के जो लास्ट प्लेयर थे गोंजो उनको स्पॉट किया गया, फिनिश किया गया, लेकिन G9 ने एक और प्लेयर को स्पॉट किया है बिगट्रॉन रेडियंस के। वेल स्पॉट नहीं किया था, उनको स्मोक दिखाई दिया और स्मोक के अंदर शॉट्स कनेक्ट किए। माइक्रोबॉय की एचपी काफी ज्यादा कम कर दी गई थी, माइक्रोबॉय को इनफैक्ट नॉक भी कर दिया गया था और अब तो जिमी ने एक नॉक निकाला था पावर ट्रिपल 8 के आइस जिमी के ऊपर चार्जिंग करने की कोशिश करे, लेकिन जिमी के पास बैकअप अवेलेबल है, स्मोक डाल के फाइट करने की कोशिश। राइजन के हाथ में M249 वो चार्ज कर रहे, कोरपा को स्पॉट किया, उनको नॉक निकाला। यहां पे बिगट्रॉन किल्स कंफर्म कर सकती है क्या, राइजन 3 किल्स अपनी टीम के लिए कंफर्म करेंगे, आंसर इज गोइंग टू बी यस। लेकिन ब्लू जोन भी आ रहा है और आगे नोवा XQF की टीम भी है, इनको उनके साथ भी डील करना होगा। राइजन के लिए यहां से बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इनफैक्ट ना के बराबर चांसेस, क्योंकि राइजन नॉक हो जाते हैं और वो M249 रह जाएगी ब्लू जोन के अंदर। वाओ, रैम्बो राइजन यहां सेंट्रल एरिया को एक्वायर करना चाहते हैं। बियर 11 के ऊपर यहां पर सोलेस आ चुके हैं, सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, चारों पे सीधा फिनिश करेंगे। वाओ, सिलस एक स्ट्रेटजी है, ये भी सही है, आप मतलब दूर से ये भी ठीक है, दूर से गोलियां चलाए, सारे जाके इकट्ठा गोलियां चलाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा यहां पे क्लास लिटिल एथलेटिक्स की टीम खत्म हो गई, पूरी टीम का एलिमिनेट, टीम सीक्रेट तो एक जगह से सैंडविच हो चुकी है। नोवा XQF के किंग यहां पे कोशिश कर रहे हैं और ओपन में स्पॉट आउट किया, लॉग काफी ज्यादा ओवर एग्रेस कर गए थे, बैड मूव। किंग के ऊपर थोड़ी बहुत गोलियां हैं, लेकिन फाइट थी जो उनके फेवर में जा रही थी, कंप्लीटली टर्न अराउंड होगी या नहीं। आज के दिन की शुरुआत में मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि अल्फा 7 को एक चिकन डिनर आज के दिन में मिलना चाहिए, जिस हिसाब से उनका पहले का प्रदर्शन रहा है पिछले हफ्तों का अभी, लेकिन अब दिक्कतें जरूर उनके लिए बन चुकी है। विटो की को रिवाइवल चाहिए कुछ भी करके, सर्कल उनसे बहुत दूर है, यहाँ पर सेनाटेक्सा को भी टेकडाउन किया जा चुका है, रिवाइवल पैराबॉय इस मौके पर दे रहे हैं और वो पीछे ग्रेनेड्स और करना चाहेंगे। एक और अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर अगर स्वैग हुई इनके पास जाता है, इट विल बी अ बैड न्यूज फॉर हिम। अल्फा 7 के प्लेस के ऊपर जिमी आ चुके हैं, फिनिश ऑफ करना चाहेंगे, फाइट लेना चाहेंगे, वन प्लेयर गोस डाउन, द टीम गोस डाउन, जिमी बेहतरीन फाइट निकाल ली, अल्फा तरह से बाहर, चार टीम्स बची है, आठ प्लेयर जिंदा, नोवा XQF भी जिंदा बची थी और एक ही झटके में तीन टीम्स बची, क्योंकि सीक्रेट जिन के लास्ट प्लेयर केंगजो को एक ही नेट के साथ फिनिश किया गया से, उन्होंने जाने से पहले 10 किल्स अपनी टीम के लिए सिक्योर कर लिए थे। पैराबॉय के ऊपर वापस शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कोवास्की द्वारा और इनफैक्ट वहां पे उनको डाउन भी कर दिया, बाहर भी निकाल दिया इस गेम से। अब बचे नोवा XQF के सिर्फ दो प्लेयर, लूप्स के पास मैन एडवांटेज बहुत ही बड़ा है, 3v2v1 का सिनेरियो वहां पे आता हुआ और जिमी और ऑर्डर के ऊपर भी प्रेशर होगा, लेकिन ऑर्डर के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा क्योंकि सेलिम ने आउट ऑफ नोवेयर उनको डाउन कर दिया। अब अगर जिमी का किल यहां पे सेलिम सिक्योर कर लेते हैं इनके लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन जिमी के शॉट्स यहां पे डेडली साबित होते, थ्रोएबल्स अच्छे तरीके से जाते, आप देख सकते हैं थ्रोएबल करना चाहते हैं, एक अच्छी थ्रोएबल गेम, एक थ्रोएबल आउटिंग, जिमी गोज डाउन विद अ बैंग और नॉट, सर्कल के बाहर जा चुके, किल देना ही नहीं चाहते, ही इज रेजिस्टिंग बट नो, लूप्स टेक इट डाउन, नोवा कुड नॉट टर्न देमसेल्व्स इनटू सुपर, जैसे ही मैंने एंटिसिपेट किया था, बूट कैंप अभी भी कंटेंशन में, अब्रॉक्स प्लेस यहां पे बिल्कुल सेंटर में, अब देखना पड़ेगा अब्रॉक्स प्लेस कहां जाती है, लेफ्ट साइड जाती है या फिर राइट साइड जाती है, बिल्कुल ये चीज यहाँ पर आएगी। लेकिन आप देखिए पैराबॉय का टेक डाउन किया जाएगा, बियर 11 का डाउन हो चुका है, बट ऑन टू द अदर साइड D2E बेहतरीन फाइट्स ले रहे हैं। नोवा XQF के लिए खराब चीज यहाँ पर ये बन चुकी है कि उनके प्लेयर्स के पास नंबर एडवांटेज नहीं है, D2E अभी भी कोशिश कर रहे हैं बियर 11 को रिवाइव देना चाहेंगे, स्मोक भी उनके पास पूरा स्मोक का कवर बन रखा है, G9 को रिवाइव देना चाहिए अर्नी को ऑन टू द अदर साइड, बट बात यही चीज बनकर आती है, BTR भी पीछे से आ रही है, व्हाट्स हैपनिंग, टीम्स कोशिश कर रही थी।
साइड से लिंग टेक डाउन यहां पर कर चुके हैं। फाइट्स के बीच में जक्सी आप देख सकते हैं अभी वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट किंग वो स्मोक करके डिश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक पिक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पाया। नोबा शिप का एलिमिनेशन हो चुका है, बट ये आवाज आरआरक्यू को आ चुकी है। आरआरक्यू नो बीटीआर पे सर्कल है, आई गेस ये चिकन डिनर शायद बीटीआर का हो सकता है, बट अगर अल्फा 7 पीछे से बैक स्टैप करती है तो दिक्कत में फंस सकते हैं। क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के प्लेयर्स अभी गेम से हो चुके हैं बाहर, बट बीटीआर के पास कंपाउंड है, उनके पास प्लेयर्स हैं, तीन प्लेयर्स अभी भी जिंदा है, चाहे तो चिकन डिनर ले सकते हैं। अल्फा 7 के पोजीशन काफी खराब है ओपन में, अगर कोई दूसरी स्क्वाड को स्पॉट आउट करती है तो दिक्कतों में फंस सकती है। आरआरक्यू चीना ना के मूव कर रहे हैं धीरे धीरे उनके प्लेयर के बिल्कुल करीब, क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा। जीना इनको यहां पर टेक डाउन किया जाएगा, पोटैटो और पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, एफपीपी में स्विच यहां पर प्लेयर का रहेगा जरूर। पोटैटो क्या ये तीसरा नॉक निकाल सकते हैं? एक और प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, अब फिनिश करने की बारी आती है। पहला किल इनके हिस्से में जाता हुआ, दूसरा और तीसरा भी यहां पर आता हुआ, तीन किल 1v3 कर चुके हैं अभी तक पोटैटो, लेकिन सर्कल के अंदर मूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पता है जोन का डैमेज यहां पर पड़ रहा है, बट ही डजंट टर्न पे मौजूद है। दिस इज बीटीआरस गेम टू लूज। अल्फा 7 क्या अपने नंबर्स के एडवांटेज के चलते यहां पे बीटीआर को वाइप आउट कर सकती है, क्योंकि एरो वुल्फ ली मैक्स यहां पे गेम से हो चुके हैं बाहर। माइक्रोबॉय नोस आप देख सकते हैं, माइक्रोबॉय ऊपर के एरिया पर ही दिख रहे हैं, उनको पता है पीछे से कोई उनका गेम बिगाड़ सकता है। यहां पर स्वैग क्वीन को डाउन किया जा चुका है जक्सी के द्वारा, रिवाइवल नहीं मिल सकता ऐसे मौके के ऊपर। राइजन को डाउन किया जा चुका है लॉ के द्वारा, इट्स टाइम टू चार्ज इन दैट मूव कर रहे हैं जक्सी, ही हैज स्पॉटेड वन प्लेयर, लॉक एंड गो डाउन, नो लॉ टेक्स अनदर वन डाउन। ये दो प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं, एक को रिवाइवल मिल चुका है ऐसे मौके पर। माइक्रोवेव के बिल्कुल सामने यहां पर एक ग्रेनेड आया जरूर है, क्या वो डैमेज करेगा अभी के लिए? नहीं, बाहर की तरफ कोई ग्रेनेड रह चुका था, लॉ फिर से हल्का सा पीछे आएंगे, बट एक अगला ग्रेनेड जाता हुआ डैमेज बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा चुका है। मॉलीज यहां पर किए जा रहे हैं, इज माइक्रोवेव इन द मॉली, इज ही? यस ही इज, ही गोस डाउन, वन प्लेयर सर्वाइव्स, बीटीआर एक प्लेयर बचा है उनका। अल्फा 7 एक अलग ही रंग रूप में दिख रही है। जी हाँ, और अल्फा 7 यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के बाकी सारे प्लेयर्स को क्लीन अप कर रही है। राइजन आखिरी प्लेयर बचे, उजी के साथ घुसने की कोशिश, राइजन एक नॉक जरूर निकाला, बट अल्फा 7 कमिंग आउट ऑन टॉप आउट ऑफ नोवेयर इस टैल्बर माउंटेन की फाइट में। जी हाँ, अब देखना ये रहेगा कि बीटीआर क्या अपना आखिरी गेम में चिकन डिनर निकाल सकती है। दिन की अच्छी शुरुआत तो उन्होंने जरूर की थी, पेन बॉयज फिलहाल नॉकआउट हो चुके हैं लीड्स के द्वारा, फिनिश किसी भी क्षण हो सकते हैं। राइजन ने यहाँ पे 4-1 के सुप को नॉक कर दिया, जिनिए यहाँ पे फाइट ले रहे बीटीआर के राइजन के साथ, राइजन काफी लो एचपी पे है, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही शानदार नॉक निकाला बीटीआर के राइजन। ओह माय, परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, प्लस डैमेज उनको और भी सोर्सेस से पड़ रहा है, और ये देखिए एक और नेड राइजन का, स्वान भी वहां पे नॉक हो जाए, और हसाकी अब अकेले बचे, राइजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लू जोन के अंदर चार्ज किया, हसाकी के शॉट कनेक्ट किया हेड पे, पुष्टि हो चुकी है बीटीआर यहाँ पे जीसी जीतने के बहुत ही यहाँ पे बड़े कंटेंडर्स हो चुके, क्योंकि अगर आप सेकंड पोजीशन के टीम को अगर अकेले वाइप आउट कर रहे हो तो और क्या कहना। अभी रैंबो राइजन होते एंड ये आई थिंक वी आर समवट क्लोज टू व्हाट यू नो वेरी कैलकुलेटेड राइजन वाज, बट यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, जी नाइन की तरफ से आता हुआ उनके क्लासिक सिग्नेचर ग्रेनेड्स और नोवा एक्स क्यू एफ पी, देखते ही देखते ताश की पत्तों की तरह गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे किंग काफी खराब हालात में यहाँ पे नॉक होके पड़े थे, अब नीचे कूद चुके हैं, अब उनको कुछ करना है ही नहीं, अब सिर्फ प्रार्थना करना है कि कब उनका खेल कंफर्म हो जाएगा। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अर्नी ने वहीं पे अर्नी को कंफर्मेशन मिलता हुआ, क्योंकि नोवा एक्स क्यू एफ पी ऑलरेडी डाउन कर दिया गया एंड पावर अपग्रेड के आइसिस नहीं किया। राइजन काफी ओपन में स्पॉट हो गया और लूपा उनका नॉक यहाँ पे निकालने वाले हैं, कंफर्म करने की भी कोशिश करी जाएगी एंड कंफर्म में भी सक्षम रहेंगे, यहाँ पे उनको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देखते ही देखते बीटीआर के दो लास्ट गेम के अंदर आप मेसअप करते हैं, नथिंग, एवरीथिंग इज फॉरगिवन एट दिस पॉइंट, लेकिन आरआरक्यू ये क्या टीम सीक्रेट जिनके कॉस्मोस बिल्कुल आरआरक्यू के अंदर चार्ज इन कर गए थे, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग चलाने वाला। और दूसरी तरफ लक्ष्य एक बार फिर से अपनी टीम के लिए बचे, पूरी टीम के 6 किल्स है कुल मिलाकर, जिसमें से 5 अकेले राइजन ने सिक्योर किए थे, लेकिन आई थिंक लक्ष्य ये भी एक दो लेकर ही जाएंगे। जी हाँ, कहाँ जा रहे हो आप, ये उनका सवाल रहेगा। और यहाँ पे ऑफकोर्स रिवाइव करने काफी ओपन में आ रहे जॉरी, अब देखना ये रहेगा कि एक नेड क्या लक्सी का एक दूसरा नेड जाएगा क्या यहाँ पे, और एक नॉक देखने को मिलेगा। नेड तो कुक जरूर किया, डायरेक्शन यहाँ पे गलत है, बट नहीं शायद सही हो सकता है, स्टॉप भी जाएंगे यहाँ पे, दूसरा नॉक आता हुआ यहाँ पे बीटीआर लक्सी के नाम। आइसिस काफी क्लोज आ चुके हैं, यहाँ पे स्प्रे भी देखने को मिल सकता है थोड़ी ही देर में, बट नहीं लक्सी अभी भी काफी ज्यादा शांत है। एक और अच्छा ग्रेनेड, आइसिस भी गिर सकते हैं, एक और नेड उनको पोजीशन स्टॉप की दिख चुकी है, उसके पिक्सल स्पॉट आउट हो गए लक्सी की तरफ से, ये नेट भी जाता हुआ एंड इट्स ऑन पॉइंट, ओह माय गॉड, थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा सा कनेक्ट टू गो एंड देयर इट इज, देयर इट, ओह
फ्लोर सिक्योर किए वहां पे लक्सी ने अपनी जान गंवाने से पहले। बिगट्रॉन रेड एलियंस बहुत ही ऊपर चल रही है, लेकिन लेकिन ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ। आरआरक्यू अभी भी जिंदा है। जी हाँ, आरआरक्यू के प्लेयर जिंदा तो जरूर है, बट कितने देर तक, क्योंकि सोलनेस ने यहाँ पे D2E का नॉक निकाल रखा है। बेयर 11 यहाँ पे ऑलरेडी प्रोन लेन है, क्या यहाँ पे आरआरक्यू एक चिकन डिनर निकाल सकती है? अभी D2E को जिंदा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेयर 11 पे ऑलरेडी काफी ज्यादा शॉट जा रहे हैं, D2E का कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। बेयर 11 सर्कल के बाहर है, एंड जब भी सर्कल के बाहर रहते हैं तो कुछ ना कुछ जादुई कमाल दिखाते ही है। साइलेंस उनकी तरफ से अग्रेसिव हो रहे हैं, उजी से स्प्रेड आउट कर दिया। बेयर 11 को सोलनेस ने यहाँ पे बाहर निकाला, और साथ ही साथ आरआरक्यू भी गेम से बाहर। जी हाँ, तीन टीम्स बची, सोलनेस साइलेंस क्या यहाँ पे ब्लूबीज को मात दे सकते हैं? JGZ को स्पॉट कर दिया गया, और सिलेन को मिलता हुआ कॉन्फर्मेशन। इसी के साथ जिंदा है सिर्फ दो ही टीम। जी हाँ, दो टीम्स, 4v3 का सिनेरियो। क्लास डिजिटल एथलेटिक्स वर्सेस ब्लूबीज। सोलनेस को वहाँ पे एक बार फिर से नॉकडाउन किया गया, एडोचान भी नॉकडाउन हो चुके हैं ट्रेड में, तो यहाँ पे 3v2 बन चुका है। लेकिन साइलेंस का किल कंफर्म डेफिनेटली किया जाएगा, और जहाँ तक क्लास डिजिटल एथलेटिक्स की बात करें तो खड़े हुए इस मोमेंट पे यहाँ पे सिलीम सारा कुछ कर नहीं पाएंगे। सिलीम ने नॉक निकाला है, बट यहाँ पे सिलीम को स्पॉट आउट कर दिया गया, और M249 के साथ फाइनल गोली भेजते हुए टीम ब्लू बी ओवरऑल रैंकिंग आ चुकी है हमारे सामने, और बिगट्रॉन रेड एलियंस 178 पॉइंट्स, आरआरक्यू एथेना 162। बाकी टीम्स की बात करते हैं, पावर ट्रिपल 8 10th पोजीशन तक क्लाइंब किया, गुड जॉब टू देम। ब्लूबीज 13th पर अभी स्टेबल है और गैप क्लोज आउट कर चुके हैं।